Today in this video, we are going to learn the number system conversion. कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना, एक नंबर अगर एक सिस्टम का हो तो दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल लर्न ऑल दीज कन्वर्जन रूल्स टुडे. वी विल लर्न द सिक्स कन्वर्जन्स, डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, binary to hexa and hexa to binary. These are the total six conversions that we would learn. Conversion rule number one, that is very important. Agar aap decimal se convert kar rahe hain number ko binary mein, to method aap use karenge repeated division by two. Theek hai, yaad rakhiyega ye method, ye conversion rule kahin likh lein apne paas. These are very important. आप बेस 10 से बेस 2 में जा रहे हैं, कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? गिवन नंबर को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे. सिमिलरली अगर आप डेसिमल से जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तब भी यही मेथड यूज़ करेंगे. बट नाउ वी आर गोइंग टू रिपीटेडली डिवाइड बाई 16. ठीक है, डेसिमल से अगर हमने किसी और नंबर सिस्टम में जाना हो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? रिपीटेड डिविजन. बाइनरी में जाना हो तो 2 से डिवाइड होगा, और अगर हेक्सा में जाना हो तो 16 से. कन्वर्जन रूल नंबर टू, अगर आपको बाइनरी से वापस आना हो डेसिमल के अंदर, तो मेथड यूज करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2. ऑपोजिट हो गया डिवीजन से. ठीक है, जैसे पहले डेसिमल से बाइनरी में गए थे तो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 थी, अब बाइनरी से वापस डेसिमल में आ रहे हैं तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2. सिमिलरली अगर आप हेक्सा से वापस डेसिमल में आएंगे, तब भी यही मेथड यूज करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, बट नाउ दिस टाइम विद 16. रूल नंबर 3 इज, अगर आपको बाइनरी से जाना है हेक्सा में, नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व देयर, यहाँ पे नहीं हो रहा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज, हम दूसरे नंबर्स के बीच में घूम रहे हैं, इसको इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं. बाइनरी से हेक्सा एंड हेक्सा से बाइनरी वापस, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? हेक्सा बाइनरी टेबल. इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका घर है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं ऑफ बेस 10, और अगर कोई शॉपिंग मॉल है जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हैं उसको कंसिडर कर लें बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ बेस 2, और एक रेस्टोरेंट है उसको आप कह लें हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ बेस 16. ठीक है, अब आपने याद क्या करना है, डेसिमल से जब आप बाइनरी में जाएंगे या हेक्सा में जाएंगे, मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? रिपीटेड डिवीजन. किस चीज़ से डिवाइड करना है? अगर बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से, और हेक्सा में जा रहे हैं तो 16 से. सिमिलरली अगर आप शॉपिंग करके वापस घर आ रहे हैं डेसिमल में, या आप रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस घर आ रहे हैं डेसिमल में, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. किस से मल्टीप्लाई करेंगे? बाइनरी से वापस आ रहे हैं तो 2 से, हेक्सा से वापस आ रहे हैं तो 16 से. द थर्ड वन इज, शॉपिंग मॉल से अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अब घर इन्वॉल्व नहीं हो रहा बीच में, ठीक है, वापस घर नहीं आ रहे आप, शॉपिंग और रेस्टोरेंट के दरमियान में ही आप घूम रहे हैं वहां से वहां और वहां से वहां, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? हेक्सा बाइनरी टेबल.